बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं, और एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक चल रहा है, ठीक है। उसके हमने पहले 10 पार्ट्स हमने देख लिए, लेकिन अब यहाँ पर मैं ऑर्डर की बात करूँगा, ठीक है, उसको क्लियर करने की बात करूँगा कि ऑर्डर आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो सकते हैं, उसमें आपने ऑर्डर किस तरह से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आपने अगर आपके पास जो है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, सपोज मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक्स टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ये एक आपके पास जो है मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, इसकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपने फंक्शन को देखना है, दोनों फंक्शंस को अलहदा अलहदा, ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट प्लेस पे पड़ा है उसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है, और जो सेकंड प्लेस पे पड़ा है उसको सेकंड फंक्शन आप कहेंगे, ठीक है। तो आपने रखना क्या, यानी कि फर्स्ट प्लेस पे आपने कौन सा फंक्शन रखना है इन दोनों में से, और सेकंड प्लेस पे आपने, जिस तरह से मैं ये कहता हूँ ये फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन की जगह है, और ये मैं कहता हूँ कि ये सेकेंड फंक्शन की जगह है। अब आपने रीऑर्डर करते हुए इसको, मतलब ऑर्डर सेम भी हो सकता है इस तरह से, मतलब इसमें से आपने कौन सा फंक्शन उठाना है और फर्स्ट प्लेस पे रखना है, और इसमें से आपने कौन सा फंक्शन उठाना है और सेकंड प्लेस पे रखना है। तो इस चीज़ का ख्याल किस तरह से आपने रखना है कि फर्स्ट प्लेस पे आपने वो फंक्शन इन दोनों में से रखना है जिसकी इंटीग्रेशन मुश्किल हो, यानी कि जिसकी इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली फाइंड ना कर सकें, ठीक है। अब इसमें से आप देखें कि x जो है उसकी इंटीग्रेशन तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, x स्क्वायर बाय 2 आती है, ठीक है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब इसकी इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, ठीक है, यानी कि दोबारा से हमें बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो इसको आप जो है फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखेंगे, फर्स्ट प्लेस पे वो जगह होगी जिस पे आप जिसकी इंटीग्रेशन क्या हो, मुश्किल हो। टेंजेंट इनवर्स ऑफ x की अगर बात करते हैं तो ये ऐसा फंक्शन है जिसकी आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन फाइंड नहीं कर सकते कोई थ्योरम या कोई फार्मूला यूज़ करते हुए, आपको जो है बाय पार्ट्स का मेथड यूज़ करना पड़ता है इसको सॉल्व करने के लिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब कि ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और एक्स जो है यहाँ पर चला जाएगा। अगर दूसरे लफ्ज़ों में बात करूँ तो आपने सेकेंड प्लेस पर वो फंक्शन रखना है जिसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान हो, जो हमने पहले मेथड्स पढ़े हैं या फार्मूलाज या थ्योरम पढ़े हैं उससे आप आसानी से फाइंड कर सकें, ठीक है। तो इसको मैं रीऑर्डर कर सकता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये इसको मैं इसका ऑर्डर रखूँगा और इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करूँगा, तो मैं आसानी से इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लूँगा, ठीक है। तो ये हमने यानी कि सॉल्व भी करके देखा है पहले, तो इस चीज़ की आपको अब तक समझ आ गई है। लेकिन ये हमने बात की है कि दो फंक्शंस हमारे पास हों, उनका प्रोडक्ट हो, और दो डिफरेंट यानी कि फंक्शंस हो जिसकी इंटीग्रेशन, एक की इंटीग्रेशन आसान है एक की मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर ये केस भी तो हो सकता है ना कि दोनों की इंटीग्रेशन आसान हो, सपोज हमने वो एक ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, ठीक है, जिसमें था एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, या फिर हम ऐसा करते हैं कि एक्स साइन ऑफ एक्स की बात करते हैं, ठीक है, इससे आपको मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने क्या कहा था कि फर्स्ट प्लेस पे आपने वो फंक्शन रखना है इन दोनों में से जिसकी इंटीग्रेशन मुश्किल हो, ठीक है, और सेकेंड प्लेस पे आपने वो फंक्शन रखना है जिसकी इंटीग्रेशन क्या हो, आसान। तो इसमें से किसकी मुश्किल है, एक्स की क्या होती है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाय टू, साइन ऑफ एक्स की क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ एक्स, मतलब दोनों की हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट प्लेस पे क्या रखेंगे। अगर तो इस ऐसा केस आ जाता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, रीऑर्डर करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिसका आप डेरिवेटिव फाइंड करें और वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, उस फंक्शन को आपने कहाँ पर रखना है, उसको आपने फर्स्ट प्लेस पर रखना है, मतलब कि साइन ऑफ एक्स का की बात करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करें तो आपके पास क्या आता है, कॉस ऑफ एक्स आता है, अगर यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स हो तो साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, मतलब कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसका यानी कि दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाती है डेरिवेटिव लेने के बाद,
ठीक है, मतलब कि वो रिड्यूस नहीं होता, साइंस से कॉस, कॉस से साइंस, साइंस से कॉस, इस तरह से बन जाता है, ठीक है, टेंजेंट का लेंगे सेकंट स्क्वायर बन जाएगा, तो इस तरह से मतलब कि वो रिड्यूस नहीं होता। अगर x की बात करें, x का आप डेरिवेटिव लें तो क्या होता है, 1 बन जाता है, मतलब रिड्यूस हो गया। x स्क्वायर का आप अगर डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। x क्यूब का आप डेरिवेटिव लें तो क्या हो जाता है, 3x स्क्वायर, रिड्यूस हो जाता है। मतलब कि ऐसा फंक्शन आपने फर्स्ट प्लेस पर रखना है जो रिड्यूस हो जाए, ठीक है, तो मतलब कि x यहाँ पर आ जाएगा और साइन ऑफ x दूसरा फंक्शन जो है वो आपने दूसरी प्लेस पर रख देना है, फिर आपका जो है इंटीग्रेशन फाइंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चले, ये तो था रीऑर्डर करना, फंक्शंस को किस तरह से रीऑर्डर करना। एक हम पार्ट मज़ीद इसमें से सॉल्व कर लेते हैं। सपोज मैं एक पार्ट लेता हूँ जिसमें तीन फंक्शंस आ जाते हैं, पार्ट नंबर, वैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट नंबर है 15, तो इसमें हमें जो फंक्शंस गिवन है e पावर x इंटू साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x dx। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें जो तीन फंक्शंस आ गए और तीनों का आपस में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस हम इसे कह सकते हैं। बाय पार्ट्स हम किस पे अप्लाई करते आए हैं अभी तक, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को, ठीक है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस केस में हम ये कर सकते हैं कि इनको दो फंक्शंस बना लेते हैं, मतलब कि मैं कहता हूँ कि e पावर x जो है वो अलहदा से फर्स्ट फंक्शन है और sin x cos x को मैं एक फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक फंक्शन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या बन गया, e पावर x cos of x, e पावर x, ठीक है, और सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या बन गया, sin of x cos of x। अब एक चीज तो हमने ये कर दी कि हमने दो फंक्शन इसे बना लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि हमने ऑर्डर क्या रखना है, ऑर्डर के रूल्स वही हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, जो मैंने इसी लेक्चर में शुरू में बताए हैं। ऑर्डर के रूल्स क्या हैं जी, कि फर्स्ट प्लेस पे हमने वो फंक्शन रखना है जिसकी इंटीग्रेशन मुश्किल हो, ठीक है, और सेकंड पे जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो, इंटीग्रेशन के हिसाब से अगर बात करें, ठीक है। तो इन दोनों से देख लेते हैं किसकी इंटीग्रेशन मुश्किल, e पावर x क्या मुश्किल का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली उसकी इंटीग्रेशन फाइंड ना कर सकते हो, आपको बाय पार्ट्स ही यूज करना पड़े दोबारा से, वो मुश्किल है, ठीक है। मुश्किल किसी और सेंस में नहीं बल्कि मैं बाय पार्ट्स के सेंस में कह रहा हूँ, तो दोबारा से आपको बाय पार्ट्स यूज ना करना पड़े, ठीक है, उसको मैं मुश्किल कहता हूँ, ठीक है। तो e पावर x की इंटीग्रेशन क्या है, डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हैं, e पावर x आती है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, और साइन x कॉस x की इंटीग्रेशन आप अगर देखें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कॉस x, तो क्या होगी, पहला फंक्शन आप कंसिडर करें और दूसरा उसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो साइन स्क्वेयर x ओवर 2 आ जाएगा, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, मतलब कि हमें बाय पार्ट्स यूज नहीं करना पड़ा, तो मतलब कि ये भी आसान है। तो अब ये वो केस आ गया जिसमें दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन क्या है, आसान है, आसान मतलब कि आपको बाय पार्ट्स दोबारा से यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अब हम सेकंड केस पे आ जाते हैं, सेकंड केस क्या था, जिस तरह से हमने ये देखा था कि x sin of x है, कि दोनों की इंटीग्रेशन आसान थी, तो अब हमने डेरिवेटिव के हिसाब से देखना है, पहले सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन के हिसाब से देखना है, अगर दोनों की इंटीग्रेशन आसान है तो हम डेरिवेटिव के हिसाब से देखेंगे दोनों फंक्शंस को, कि जिस का डेरिवेटिव लें और वो फंक्शन रिड्यूस हो जाए हम उसको फर्स्ट प्लेस पे रखते हैं, ठीक है, वो हमने अब केस जो है स्टडी करना है। कि अब इसमें से देखें किस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ई पावर एक्स ही रहता है, साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव लें तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि साइन एक्स बन जाएगा, साइन एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस साइन, यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, तो इस इन दोनों में से फिर कौन सा बेटर है, कि ई पावर एक्स को हम पहले रखते हैं, यानी कि इसका एक्सपेंड तो नहीं हो रहा ना, कम से कम रिड्यूस नहीं हो रहा तो एक्सपेंड भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये रिड्यूस नहीं हो रहा बल्कि एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए हम इसको फर्स्ट प्लेस पे नहीं रख रहे। तो हम ऐसा करेंगे ई पावर एक्स यहाँ पर रखेंगे फर्स्ट प्लेस पे, और सेकंड प्लेस पे हम क्या रखेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है,
तो सेकंड फंक्शन की क्या फाइंड करनी होती है हमें, इंटीग्रेशन फाइंड करनी होती है। अब हम इसको जो है बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, मतलब सेम ऑर्डर है तो मैं यहाँ पर से रब कर देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। तो अब हम इसको बाय पार्ट्स में पुट कर देते हैं, पहला फंक्शन एज इट इज यानी कि ई पावर एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन यानी कि साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि साइन एक्स कॉस एक्स है, मैं लिख देता हूँ, ये जी प्राइम ऑफ एक्स है और ये क्या है एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, और साथ में चलिए ये मैं ब्रैकेट्स भी डाल देता हूँ, और फिर फर्स्ट फंक्शन का साथ में हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ई पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स और साथ में डी एक्स, ये है बाय पार्ट्स। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ई पावर एक्स इसी तरह आ जाएगा और साइन एक्स कॉस एक्स की इंटीग्रेशन अभी मैंने बताई कि ये इसको आप फंक्शन कंसिडर करें तो साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है यानी कि पावर रूल यहाँ पर अप्लाई हो सकता है जो कि बन जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, माइनस इंटीग्रल साइन साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय टू, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई पावर एक्स ही होगा और साथ में आ जाएगा डी एक्स। अब हम कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं, चलिए मैं यहीं से लिख देता हूँ कि ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले आते हैं, 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 1/2 ई पावर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, मैंने वो चीज दोबारा लिख दी है। चलें आगे इसको हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वेयर एक्स इंटू ई पावर एक्स को। तो साइन स्क्वेयर एक्स को हमने देखा था कि जब इंटीग्रल में आ रहा हो तो हम इसको आसानी से कैसे मतलब कि इंटीग्रेट करने के लिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे कैसे, मतलब कि हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वेयर एक्स 1 माइनस कॉस ऑफ 2x/2 के इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x/2 होता है, ठीक है। जब भी इंटीग्रल के अंदर साइन स्क्वेयर आए तो आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने यूज करनी है, ठीक है। तो ये टू जो है हम इसको बाहर ले आते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे 1/4 बन जाएगा ये और अंदर से टू खत्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या है, ई पावर एक्स ऑलरेडी मौजूद है जो कि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाकी टर्म्स उसी तरह से उतार लेते हैं, 1/2 ई पावर एक्स साइन ऑफ स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए 1/2 ई पावर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, माइनस ई पावर एक्स कॉस ऑफ 2x dx। अब यहां से देखें दो फंक्शन है, एक ई पावर एक्स और एक ये वाला फंक्शन है, तो दोनों के दरम्यान माइनस साइन है यानी कि सेपरेट हो रहे हैं, तो इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम पहले इसको इसी तरह से एज इट इज उतारते हैं, ई पावर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स माइनस 1/4 ई पावर एक्स कॉस ऑफ 2x डी एक्स, यहाँ पर ये एक्स है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है, 1/2 ई पावर एक्स साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 1/4 ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होती है, ई पावर एक्स ही होती है, ठीक है, माइनस 1/4। अब इस पे दोबारा से जो है आप लगाएंगे बाय पार्ट्स, ठीक है, बाय पार्ट्स अप्लाई करें ई पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स पे, तो यानी कि फर्स्ट फंक्शन आप इसमें से कौन सा कंसिडर करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आपने इसमें से ई पावर एक्स को कंसिडर करना, तो इसको आप यानी कि इस पे बाय पार्ट्स अप्लाई करें, यहाँ पर बाय पार्ट्स आ जाएगा, इस सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, इसमें सिर्फ मैंने मेन चीज़ जो बतानी थी वो ये थी कि ऑर्डर आपने किस तरह से सेलेक्ट करना है, क्या दो फंक्शन जो आप गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन उनको रीऑर्डर कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ,
और नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।